आज विदर्भ के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया, जिसके बाद अब्दुल सत्तार ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सर्वधर्म समभाव के प्रतीक सूफी संत बाबा ताजुद्दीन दरगाह जाकर किसानों की खुशहाली की मन्नत कर चादर पेश कर माथा टेका। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने हजरत बाबा ताजुद्दीन के सालाना उर्स के चलते दरगाह पर बाबा के मजार पर माथा टेक कर चादर पेश की। इस दौरान उन्होंने सभी को उर्स की शुभकामनाएं देते हुए ट्रस्ट के कामों की सराहना की। जिस तरह से नए ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा ताजाबाद दरगाह परिसर में डेवलपमेंट किया जा रहा है, वाकई सराहनीय है। साथ ही किसानों के हित के लिए परवरदिगार से दुआएं मांगी है। अब्दुल सत्तार आज विदर्भ के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने नागपुर में आड़वा बैठक ली, जिसके बाद वो ताजाबाग दरगाह पहुंचे और उनसे हम खास बातचीत करेंगे। चलिए। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विशेषतः नितिन गडकरी साहब भी आने वाले हैं और वो काफ़ी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार की तरफ से जो जो यहाँ दुश्वारियाँ हैं, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम हैं, उसके लिए बहुत सी मदद की और भी कोई मदद की जो ज़रूरत रहेंगी वो पूरी सरकार की तरफ से की जाएंगी। ये एक अच्छा काम है। इतनी बड़ी दरगाह हिंदुस्तान के कई बाहर देश के भी मुल्क के लोग भी यहाँ आते हैं नागपुर में और दरगाह का ये यहाँ का अभी आजकल का जो डेवलपमेंट देख रहा हूँ मैं तो काफ़ी ये 10 साल में एक परिवर्तन दिख रहा है। नए से जो बॉडी आई है वो बॉडी ने अच्छा काम किया है।